नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम मोहन यादव ने तालाब गहरीकरण में दिया श्रमदान, बोले जल ही जीवन है, मिशन को सभी जीवन भर धारण करें। सीएम मोहन यादव उज्जैन की पुलिस लाइन में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण के लिए श्रमदान भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल ही जीवन है, मिशन को सभी जीवन भर धारण करें। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, 1556 पोस्ट पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष सीएम उपाध्याय व महामंत्री अशोक शर्मा ने बताया कि रनिंग रूम व टीटी रेस्ट हाउस में सभी आवश्यक सुविधाएं कू रिव्यू के तहत पंबरे के कोटा भोपाल एवं जबलपुर मंडल में 1096 एएलपी व 460 ट्रैक मैनेजर समेत कुल 1556 पद सृजित होंगे। 16 जून से लग रहा है ब्लॉक, 28 ट्रेन हुई कैंसिल। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के मालखेड़ी और महादेवखेड़ी स्टेशन के मध्य दोहरीकरण को लेकर प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से गुजरने वाली अनेक ट्रेन प्रभावित होंगी। 28 ट्रेन को निरस्त किया गया, जबकि 13 के मार्ग बदलने के साथ ही एक ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट की गई। एमपी में 2-3 दिन देरी से आएगा मॉनसून, अभी प्री मॉनसून एक्टिविटी। महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में एंटर होने के बाद मॉनसून की दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ब्रांच कमजोर हो गई हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश में तय समय से 2-3 दिन के बाद ही एंट्री की संभावना है। 10 से 14 जून के बाद मॉनसून स्थिर है, इससे वो कमजोर हो गया है। 11,700 में उज्जैन ओंकारेश्वर जा सकेंगे तीर्थयात्री, इंदौर से कनेक्ट होंगे दोनों ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओंकारेश्वर 16 जून से हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे। इसके बाद तीर्थयात्री दोनों ज्योतिर्लिंग के एक ही दिन में दर्शन कर सकेंगे। पहले इंदौर से ओंकारेश्वर जाना होगा, वहां से उज्जैन के लिए उड़ान भरेंगे। दोनों जगह सफर पर 11,700 रूपये खर्च होंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से जुड़ा ग्वालियर। ग्वालियर भी आज यानी शनिवार को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से जुड़ गया। इस योजना का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 जून को भोपाल में शुभारंभ किया था। शनिवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुर पर शनिवार को योजना के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली संबोधित किया। निजी विद्यालयों की फीस वसूली पर कंट्रोल के लिए बनाई गई स्टेट फीस कमेटी। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालय अधिनियम लागू करने के 7 साल बाद अब राज्य फीस कमेटी का गठन किया। ये कमेटी तब बनी जब जबलपुर में 11 निजी विद्यालयों के विरुद्ध हुई कार्रवाई में प्राचार्यों और संचालकों को जेल भेजा गया और निजी विद्यालयों ने इसको लेकर सरकार पर कमेटी न बनाने के आरोप लगाए। शिक्षा मंत्रालय की घोषणा, बोर्ड परीक्षा के दौरान रेस्टरूम ब्रेक और फ्री सैनिटरी पैड्स जरूरी। शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान पीरियड्स हाइजीन प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसका लाभ छात्राओं को होगा। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्राओं के स्वास्थ्य सम्मान और शैक्षणिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल्स को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी। किसानों को 3 दिन बाद मिलेगी सौगात, खाते में आएंगे 17वीं किश्त के 2,000 रूपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से योजना की 17वीं किश्त के लिए 20,000 करोड़ जारी करेंगे। इसके तहत लगभग 9.3 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रूपये पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह ने ली चुटकी, क्या 75 साल में रिटायर हो जाएंगे प्रधानमंत्री। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल करने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह के साथ पीएम मोदी का नाम भी सम्मिलित है, पर ये बात वो नहीं बल्कि बीजेपी की अधिकृत वेबसाइट कह रही है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में वो भी सक्रिय राजनीति को अलविदा कह देंगे। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।